श्रावणी स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास अनलाइब्रेरी कौन से हैं और क्या किस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, वो मतलब मोटिवेशन मोटर। मोटर बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है मोडुलेशन एंड डीमोडुलेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोडुलेशन एंड डीमोडुलेशन, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मॉड्यूलेट करना, किसी भी चीज की असल हालत तब्दील कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक सिस्टम से एक सिग्नल बूस्ट होता है या निकलता है, वो होता है डिजिटल फॉर्मेट। जब हम उसको कैमरे वे पे रखवाते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में बड़ा सा कुछ लाता है, वो वेव की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास देखिएगा, मॉड्यूलेशन का मतलब निकला है मॉड्यूलेट से चेंज कर देना, एंड डीमोडुलेशन और जो हमने चेंज किया दोबारा उसी को अपनी वापस हालत में ले गया ना, इसीलिए मैंने लिखा है मॉड्यूलेशन एंड डीमोडुलेशन डिजिटल टू एनालॉग वाइस वर्सा, और ये उसे उलट है। यानी कि अगर एनालॉग सिग्नल तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा, अगर डिजिटल सिग्नल तो एनालॉग में कन्वर्ट होगा। किस तरह, अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा सेंड करता हूँ, तो हमारे सिस्टम में जो सिग्नल है वो डिजिटल 01 की बेस्ड है। जब हम दूसरे में गया तो पहले उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होना पड़ा। जब ऑन द राइट हैंड गया तो उसको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन हमारा, और ट्रांसफर टू टेलीफोन लाइन हमारा आज का जो पीटीसीएल की है, आपने देखा बड़े 946 बीपीएस बिट पर सेकंड, 461 बिट पर सेकंड के स्पीड से वो हमें मॉडल दे रहे हैं कि इतनी स्पीड पे आप मॉड्यूलेशन डीमोडुलेशन कर सकते हैं। और जिससे हाई स्पीड मॉडल मोडे आप टू, जो हाई स्पीड हमारे पास मॉडल है वो 9600 बीपीएस, बीपीएस का मतलब होता है एक्सीलरेशन भी आता है बिट पर सेकंड, क्या बिट पर सेकंड। ठीक है, आगे हमारे पास है मॉडल टाइप कौन कौन से, तो बेटा मॉडल भी 3 टाइप है। ये मॉडल लो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में, तो ये लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 10 है, लेक्चर नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा ये देखिएगा कि मॉडल टाइप एक्सटर्नल मॉडल, तो हम पहले एक्सटर्नल मॉडल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अटैच टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल वायर, हम सिस्टम के साथ किसी भी वायर से इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू, किसके जरिए हमारे पास टेलीफोन पोर्ट्स होती है कॉम 1 और कॉम 2, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अटैच टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल वायर कनेक्टेड टू थ्रू टेलीफोन वॉल, टेलीफोन वॉल जो एक लगी होती है। आगे हमारे पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई, और इसको एक सेपरेट रूम में एक स्विच के साथ लगाकर वायर लगाकर पावर सप्लाई देना पड़ती है। इजी टू सेटअप, इसको बेटा सेटअप करना इजी होता है। आगे हमारे पास आ जाता है इंटरनल मॉडल। इंटरनल मॉडल जो है ये काफी पुराना है, और इसको हम यानी कि बोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसको हम जो बोर्ड मदर बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। एंड इंटरनल मॉडल इज सर्किट बोर्ड, मॉडल कार्ड, मॉडल कार्ड भी कहते हैं जहां हम जाकर मॉडल कार्ड लगाते हैं। दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम थ्रू एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट होती है। ठीक है, मॉडल कैन नॉट बी मूव इजीली फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी, मॉडल इस मॉडल को इजीली जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव नहीं करवा सकते। इट इज डिफिकल्ट, इसी की वजह है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब जाएंगे तो हमें इसको मुश्किल होगा सेटअप करना। लास्ट में आता है हमारे पास वायरलेस मॉडल थ्रू सिग्नल एयर। जो बेटा दरअसल आ जाए वायरलेस, इसका मतलब होता है कि आपका जो सिग्नल है वो हमेशा के लिए वे में कन्वर्ट होगा, यानी कि एनालॉग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इन द एयर में यानी कि आपकी वेव की शक्ल में डाटा जाएगा। ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू एयर, इट इज बेस्ड ऑन रेडियो के सिग्नल। ये जिस तरह रेडियो सिग्नल्स होते हैं जिसमें फ्रिक्वेंसीज आपके पास FDM आता है, फ्रिक्वेंट डिवीजन, फिर ADM आता है, एम्पलीट्यूड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फिर आपके पास जो है हायर स्पीड फ्रिक्वेंसीज आती हैं। ठीक है, जिस तरह एक्सरेज है, जिस तरह आपका अल्ट्रा वायलेट रेज है, गैमा रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, इन्हें क्या ये हाई फ्रिक्वेंसी है। लेकिन रेडियो सिग्नल्स एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास जो है वो एक फ्रिक्वेंसी बेस्ड सिग्नल है, जो इजीली जिसका कोई भी नेगेटिव भी नहीं है कि किसी इंसान के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरा ये इजीली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है।
फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की वो काफी टाइम तक अगर कुछ टाइम तक वो अपना जो अपना डिस्टेंस तय करे फिर वो क्या करती है अपना सिग्नल जो है लोगों में स्टार्ट करती है। इसीलिए हमने जो माइक्रोवेव में भी देखा गया माइक्रोवेव में क्या करते हैं कि रिपीटर्स लगाते हैं, वो रिपीटर्स क्या करते हैं उस सिग्नल को रिपीट करते हैं बूस्ट करते हैं और फिर ही जो स्ट्रेंथ इनिशियल पॉइंट पे थी वो एक हमारी डेस्टिनेशन पर पॉइंट पर थी, हम फिर उसी डेस्टिनेशन पॉइंट को दोबारा इनिशियल स्टेट करते हैं और दोबारा हमारा सिग्नल जो है कंटिन्यू कर सकता है। आगे हमारे यूज लोगों द्वारा सोशल मीडिया नेटवर्क हम जो है लैन आज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में लैन क्या होता है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है मैं आप सबको बता देता हूँ। जो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए ठीक है, फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपका बड़ा चैप्टर नंबर 3 एंड हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।